बुरहानपुर जिले में महाराष्ट्र सीमा पर इच्छापुर गांव स्थित है। इस गांव का नाम इच्छा पूर्ति करने वाली देवी के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि एक मराठा सूबेदार ने संकल्प लिया था कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति होती है तो वो देवी के लिए एक मंदिर और कुआं बनवाएंगे। जब उनकी ये इच्छा पूरी हुई तो उन्होंने कुआं और मंदिर बनवाया। दोनों नवरात्रि में पड़वा से लेकर रामनवमी तक सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। वहीं इच्छा पूर्ति होने पर भक्त मनौतियाँ चढ़ाने और देवी की पूजा अर्चना करने आते हैं। पर्यटन विकास निगम द्वारा 93,25,000 रुपये की राशि से इस मंदिर का निर्माण और कायाकल्प करवाया गया है। यहाँ जाने के लिए 176 सीढ़ियाँ हैं जो कि बहुत ही प्राचीन हैं, और ऐसी मान्यता है कि माता की मनोकामना करने से, माता की भक्ति करने से, पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से यहां पर भक्तगण आते हैं, मां को चुनरी चढ़ाते हैं और मां से मनोकामना पूरी करवाते हैं। इसीलिए इस मंदिर का नाम इच्छापूर्ति देवी के नाम पर रखा गया है। आपकी मान्यता इसलिए कि माता रानी इच्छा पूरी करती है। देवीदास कामत ब्राह्मण ने आपको गौरतप किया था, उसमें माता रानी प्रसन्न होकर देवीदास नामक ब्राह्मण को पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो देवीदास नामक ब्राह्मण बोले कि हमारे मेरी एक ही अभिलाषा है कि तूने मेरी इच्छा पूरी की है दर्शन लेकर। तो इससे ही सब भक्तजनों की इच्छा पूरी कर आज से 450 वर्ष पूर्व माता रानी यहाँ पर प्रकट हुई है। स्वयं माता है, उसकी कोई स्थापना नहीं हुई है, किसी ने कुछ बैठा नहीं है, माता स्वयं को है और जगत का कल्याण करती है और इच्छा हमेशा पूरी करती आती है। देवी माता यहाँ स्वयं प्रकट हुई है और ये मान्यता ये है कि एक बार जो भक्त आ जाता है उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। लगभग लगभग 450 वर्ष पुराना माता है। चैत्र महीने में जो मेला लगता है उसमें 2-2.5 लाख के लगभग लगता है, और शारदीय नवरात्र जो रहता है अश्विन मास का उसमें 10 लाख के लगभग। एक देवीदास नामक ब्राह्मण ने एक तपस्या करके माँ इच्छा दी, उनको प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और उससे कहा कि तेरी इच्छा क्या है। देवीदास ने बोला कि माता श्री आपके दर्शन से ही सबकी इच्छा पूरी हो। तो इस दिन से माँ तथास्तु कर मंदिर का प्रकट माँ स्वयं प्रकट हो गई है। साहब या तो पूर्ण देश से आते हैं लेकिन अधिकतर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ से संख्या ज़्यादा रहती है। साहब पर ही नहीं भी है इच्छापुर के 3 गांव में, इच्छापुर के आसपास के वारोली, भोटा, इच्छापुर, नवरात्रि में माता की मूर्ति का ये नहीं होती, जब नव दुर्गा नहीं बैठी। हमारे जब इच्छा देवी स्वयंभू प्रकट हुई है तो 3 गांव हमारे मानते कि हमारी माता है।